हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने जीरो ऑर्डर पढ़ लिया था। लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन जीरो ऑर्डर, देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे, तो एक सवाल लेके आगे बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दें, जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं लीनियर वेरिएशन होने की वजह से। तो मान लो ऐसे कह दें कि Cl2O7 गैस डिकम्पोजेज बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एज, कैसे Cl2O7 गैस डिकम्पोज हुआ Clo2 गैस, यहाँ 2 ले लो तो 4 7 हो गया तो 1.5 O2। नाउ रिएक्शन इज बैलेंस्ड, यही थी 4 और 3 7 7 हो गया, ठीक है। बाय दिस रिएक्शन इज स्टार्टेड विद इनिशियल प्रेशर ऑफ Cl2O7 गैस एज 800 torr। तो रिएक्शन इज स्टार्टेड विद द इनिशियल प्रेशर ऑफ Cl2O7 गैस एट 800 torr एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2O7 इज 50 torr पर सेकेंड। मान लो इस टाइप से क्वेश्चन ने डेटा दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7, सेकेंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस एंड थर्ड टोटल प्रेशर आफ्टर, मान लो कुछ पूछ लें 10 सेकेंड्स। मान लो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेटा क्या दिया हुआ है Cl2O7 डिकम्पोज हो रहा है 2ClO2 प्लस 1.5, ये तो रिएक्शन की स्टाइक्योमेट्री दी हुई है। हाँ, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपियरेंस डू नॉट डिपेंड ऑन द स्टाइक्योमेट्री, ऑल्टरेशन पे डिपेंड नहीं करते, ये बता चुके हैं हम। और 800 torr लेकर के हमने Cl2O7 स्टार्ट किया है, तो हाफ लाइफ क्या होगी, 50 torr पर सेकेंड खर्च हो रहा है, तो ये तो ऐसे ही हो गया। जरा सॉल्यूशन लिखना, एक बार रिएक्शन भी लिखो। Cl2O7 गैस डिकम्पोजेस टू गिव 2ClO2 गैस प्लस यू गेट 1.5 O2 गैस। अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 50 torr, और शुरुआत में ये 800 torr था। तो फर्स्ट पार्ट हाफ लाइफ चाहिए ना, हाफ लाइफ, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। कैसे, टी हाफ वुड बी इक्वल टू व्हाट, 800 में से हाफ लाइफ का मतलब 400 खर्च होना है, 400 torr, तो 400 torr खर्च होना है और पर सेकेंड 50 खर्च होता है, तो इसका मतलब हाउ मच टाइम वुड बी नीडेड फॉर 400 torr टू गेट एग्जॉस्टेड अपॉन 50, तो कितना हो गया 8 सेकेंड्स, यही आंसर हो गया। अगली बात समझ में, तो हाफ लाइफ इज 8 सेकेंड्स। सेकेंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, वो तो पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी व्हाट, फॉर्मूला तो पता ही है, यू कैन रिलेट, Cl2O7 का 1.5 गुना होगा। 1 मोल अगर Cl2O7 खर्च होता है या 1 mm Cl2O7 प्रेशर डिक्रीज होता है, तो यहां 1.5 mm बनेगा, 1.5 गुना बढ़ेगा, तो O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन इज 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Cl2O7। तो 1.5 टाइम्स का मतलब हो गया 1.5 × 50, 75 torr पर सेकेंड, ये आंसर होगा। ये आंसर सी तो हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये जीरो ऑर्डर के। एंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा, टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड्स में टोटल प्रेशर कितना होगा, तो रिएक्शन थी Cl2O7
H2ClO2, सभी गैसेस हैं 1.5O2, 800 टॉर था ये t इज इक्वल टू जीरो पर, और t इज इक्वल टू कितने सेकंड के बाद पूछा इन्होंने, हाँ 10 सेकंड के बाद, तो आफ्टर 10 सेकंड्स 800 माइनस, आपको पता है पर सेकंड कितना खर्च हो रहा है, क्वेश्चन ने दिया था 50, और रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब 10 सेकंड में कितना खर्च होगा, 500 खर्च होगा, एक खर्च होता है तो दो मिलता है, तो फिर ये 0.0 थे, अब कितना मिलेगा 1000 टॉर, ये कितना मिलेगा 1.5 टाइम्स ऑफ द डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ Cl2O7, 500 का 1.5 टाइम्स मींस 750 टॉर, टॉर ये भी टॉर, इसका मतलब व्हाट इज द टोटल प्रेशर नाउ, सो टोटल प्रेशर, अरे बड़ा आसान चैप्टर है ये, इजी, इससे तो इजी कोई फिजिकल केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट भी शायद नहीं हो सकता, यू मान लो, तो टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड्स वुड बी इक्वल टू द प्रेशर ड्यू टू द Cl2O7 प्लस प्रेशर ड्यू टू Cl2 प्लस प्रेशर ड्यू टू O2 गैस ऑल टुगेदर, ये कितना 300, कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्लस 1000 प्लस 750, तो कितना हो गया 1300 2050, यही हुआ आंसर टॉर, दैट्स इट, सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड, तो ये तो हुआ जीरो ऑर्डर, नाउ मेनली वी हैव टू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो हेडिंग लिखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल केस लें तो जैसे ए कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट, के इज द रेट कांस्टेंट, तो क्या बोलोगे माइनस डी ए अपॉन डी टी एट एनी मोमेंट वुड बी इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पार 1, यही तो हुआ, ये डिफरेंशियल रेट लॉ कहलाएगा, डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म में, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए व्हाट डू वी नीड इंटीग्रेटर रेट लॉ, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, तो कर लो, माइनस साइन को इधर ले आओ, तो इसको ऐसे बोल दो डी ए टी इज इक्वल टू इधर ए नॉट, सेम वेरिएबल्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तरफ ले आते हैं, और ये कहां से कहां तक ए नॉट से लेके 80 तक वी कैन इंटीग्रेट, एंड दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, डी टी भी इंटीग्रेट होगा, के तो कांस्टेंट ही है 0 से लेके टी तक, यहां से इसको जरा सॉल्व करो, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, तो ln ए टी एंड द लिमिट वुड बी इक्वल टू ए नॉट से लेके 80 तक एंड वुड बी इक्वल टू माइनस के टी, तो यहां से यू कैन से दैट ln at upon a naught would be equal to minus kt, एंटी लॉग लेंगे तो एक्सप्रेशन आ गया at is equal to a naught e की पार minus kt, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ a after time t in the first order kinetics where k is the rate constant of the reaction, a naught is the initial concentration and t is the time at which we were interested to find out the concentration. अच्छा, इसी से चाहो तो आप एक और relation find out कर सकते हो, question solve करने में कई बार ऐसे भी कह सकते हो कि k is equal to 1 upon t ln, minus sign को adjust करो तो a naught को ऊपर ले लो, a naught upon a t, सो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन टेक, इसको यू भी लिख सकते हो ln को, कैलकुलेशन तो लॉग में इजी हो जाती हैं बेस 2 पर, बेस 10 पर, तो अकॉर्डिंगली आप ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा फैक्टर 2.303 अपॉन t log ऑफ बेस 10 पर कंसंट्रेशन इनिशियल a नॉट अपॉन ए टी, सो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन राइट. अच्छा, a और t के टर्म्स में जैसे हमने कहा था कि a कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट है, मान लो t इज इक्वल टू जीरो पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की a है
और कुछ समय बाद कुछ तो खर्च हुआ होगा, मान लो खर्च हुई भी अमाउंट एक्स है, तो बची हुई अमाउंट कितनी हो गई, बची हुई कंसेंट्रेशन कितनी हो गई रिएक्टेंट ए की, ए माइनस एक्स। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले में ऐसे भी रख सकते हो वैल्यू कि के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ बेस 10 पर ए नॉट, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन स्मॉल ए, अपॉन ए टी दैट इज ए माइनस एक्स। सो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन राइट द एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये कहलाता था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सो दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फाइंडिंग आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी मोमेंट। तो ये तरीका हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने का, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन, जब डेटा सॉल्व करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आप हाफ लाइफ कैसे फाइंड आउट करें, ये तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ। तो एक बात तो पता ही है, इक्वेशन आपके सामने कौन सी है, इक्वेशन ये हो गई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन के एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, यही तो है इक्वेशन। तो व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, तो अगर टी टी हाफ के बराबर है तो बताओ ए टी कितना हो गया होगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा ही तो हुआ होगा, आधा कर दो तो कितना लिखते हैं ए नॉट अपॉन टू, जरा वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे तो टी बिकम्स टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन के एल एन ए नॉट अपॉन क्या वैल्यू ए नॉट अपॉन टू, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो गया। देखो ये फॉर्मूला आ गया, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू एल एन टू अपॉन के या फिर 0.693 जिसकी वैल्यू होती है अपॉन के। सो लाइक दैट यू कैन से, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, इस बार जीरो ऑर्डर में तो आपने देखा था कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बट नॉट हियर। यहां पर हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। हाँ टेम्परेचर पर जरूर डिपेंड करेगा, वो कैसे, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे बोलोगे, अब टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस ये रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर वुड डिक्रीज। भाई जब के बढ़े टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट बढ़ता है, ये बात हम पढ़ेंगे जब हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, अभी तो ये सब पहला ही प्रभाव चल रहा है, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन वेरिएशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड वाला याद है ना कौन सा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वहां पढ़ेंगे इस चीज को। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है तो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल डिक्रीज ऑन राइज इन टेम्परेचर, हाफ लाइफ घट गई का मतलब रिएक्शन तेज हो चुकी है, आधा खर्च होने में कम समय लग रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। अच्छा टाइम ऑफ कंप्लीशन इन दिस केस वुड बी इनफाइनाइट, तो लिख लो यहीं पर टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब इट डज नॉट कंप्लीट इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड, केवल वो जीरो ऑर्डर ही था जहां पर रिएक्शन एक डेफिनेट टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर नो अदर ऑर्डर विल बी कंप्लीटिंग इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड, उनका टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा इनफाइनाइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हाफ लाइफ के, टाइम ऑफ कंप्लीशन के, इन द फर्स्ट ऑर्डर एंड ऑल दैट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी, ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, थोड़ा केयरफुली समझ के पढ़ें इनको। पहला पॉइंट तो यही है, देखो कि
ये जीरो ऑर्डर नहीं है, जीरो ऑर्डर में तो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट था, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो इक्वल टाइम में खर्च हो रही थी वो हमेशा सेम थी पहले 10 मिनट में। जीरो ऑर्डर में हमने क्या देखा था, पहले 10 मिनट में अगर एक मोल खर्च हुआ है तो अगले 10 मिनट में भी एक ही मोल खर्च होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लगातार घट रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार घटेगी तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा तो पहला एक मोल अगर 10 मिनट में खर्च हुआ है तो अगला एक मोल 10 मिनट में खर्च नहीं होगा, 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, या फिर 10 मिनट में जो मोल्स खर्च होंगे वो अगली बार में कम होंगे, 1 मोल से कम होंगे। लिखेंगे इस बात को, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड इन इक्वल टाइम पीरियड गो ऑन इंक्रीजिंग। तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड, सिंस रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ठीक बात, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड इन इक्वल टाइम पीरियड गो ऑन डिक्रीजिंग, समझ गए बात को। तो अगर एक मोल अगर खर्च हुआ है पहले 10 मिनट में तो अगले 10 मिनट में एक मोल से कम खर्च होगा, हो सकता है 0.7-0.8 मोल खर्च हुआ हो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट। मैं दोबारा पढ़ लेता हूं स्टेटमेंट में, कोई गलत ना हो जाए। सिंस रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड इन इक्वल टाइम पीरियड गो ऑन डिक्रीजिंग, बिल्कुल ठीक बात, या फिर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्ट करने वाला जो समय है दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई कि कंसंट्रेशन जो खर्च हो रही है वो इक्वल नहीं है, बट इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन इक्वल टाइम पीरियड, इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन इक्वल टाइम पीरियड। तो इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन इक्वल टाइम पीरियड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। जैसे मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 1 m है मोल पर लीटर रिएक्टेंट की, तो मान लो 1 मोल पर लीटर था ऑफ रिएक्टेंट ए, और मान लो हाफ लाइफ इसकी 10 मिनट है, ये समझाने के लिए है, से मतलब मान लिया, तो पहले 10 मिनट में क्या सिचुएशन हुई होगी, 0.5 मोल रह गया होगा, अगले 10 मिनट में क्या हुआ होगा, इस 0.5 का आधा रह गया होगा, 0.25 m मोल पर लीटर। अच्छा, अगले 10 मिनट में फिर क्या हुआ होगा, 0.125 रह गई होगी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एंड सो ऑन। परसेंटेज में देखें तो कैसे कह सकते हैं इस बात को, मान लो 100% था 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में 50% रह गया बचा हुआ, अगले 10 मिनट में इट रिमेंड एज 25%, अगले 10 मिनट में इट रिमेंड एज 12.5% एंड सो ऑन। समझ गए बात को, तो क्या मतलब हुआ इसका, देखो ये क्या स्टेटमेंट लिखा था, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट भी लिख लो इस पर, इक्वल फ्रैक्शन और द इक्वल परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट्स इन द इक्वल टाइम पीरियड। मान लो 50% की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ डिफाइन कर दिया, 10 मिनट है, कंसंट्रेशन 1 m थी, तो 10 मिनट में ये 1 का हाफ रह गया, हाफ का फिर हाफ रह गया, एंड लाइक दैट, बट अमाउंट इक्वल खर्च नहीं हुई है, अमाउंट जो 10 मिनट में खर्च हुई है यहां 0.5 मोल है, तो फिर यहां पर 0.25 मोल है, तो इक्वल
कंसेंट्रेशन डज नॉट रिएक्ट इन इक्वल टाइम पीरियड बट इक्वल फ्रैक्शन और इक्वल परसेंटेज रिएक्ट्स इन इक्वल टाइम पीरियड. अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन दीज टू पॉइंट्स, यू शुड रिमेंबर. तो इस तरीके से याद रखेंगे. एंड नाउ थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे हमने कहा था ना, जीरो ऑर्डर में जो कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड फॉर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ कौन सा बनेगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एक्सप्रेशन की नेचर इस टाइप की है तो लिखेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड तो कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड कंस्टिट्यूट अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. वो एक्सप्रेशन की नेचर देख लो ना, क्या है? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी. मान लो हर 10 मिनट की बात करें तो क्या बोलोगे? ए नॉट, वो तो ए नॉट है ही, चलो 10 मिनट बाद बची हुई कंसेंट्रेशन वुड बी व्हाट? ए नॉट ए की पावर माइनस 10 के ए 20 विल बी व्हाट? ए नॉट ए की पावर माइनस 20 के एंड से ऑन. तो इसका मतलब जरा देखना, ये जो ए नॉट है, ए 10 है, ए 20 है, ऐसी ए 30 एंड सो ऑन इज व्हाट? इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. देख लो जो रेशियो है दैट इज सेम एंड द रेशियो ऑफ ए 10 और ए 20 या ए 20 अपॉन ए 10 इज 10 टू द पावर माइनस 10 के. तो रेशियो इज सेम. तो इसका मतलब ये क्या है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं. तो आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड बची हुई जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो क्या बनाती हैं? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और जीरो ऑर्डर में क्या था वो? दैट वाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ. ग्राफ देखें तो वेरियस ग्राफ्स फर्स्ट ऑर्डर में ग्राफ तो बन जाएंगे यदि इक्वेशन हो तो. इक्वेशन में अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? पहले तो कंसेंट्रेशन देखें तो ए टी. टाइम के साथ अगर देखें तो क्या एक्सप्रेशन था? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी. तो अगर टी जीरो है इनिशियली तो ई की पावर माइनस के टी की वैल्यू तो वन हो गई. तो यहाँ ए नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा. उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिके है ये. सो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके. तो कंसेंट्रेशन इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एंड इनिशियल कंसेंट्रेशन वाज ए नॉट. ऐसे यहां रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट, और रेट किसके बराबर था? माइनस डी ए टी अपॉन डी टी. टाइम के साथ देखें तो कौन सी बड़ी बात है? आपके पास एक्सप्रेशन तो ये है ही ना. तो इसको डिफ्रेंशिएट करना जरा. डी ए टी अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया? करो डिफ्रेंशिएट इसको. तो डिफरेंशिएट करोगे तो ए नॉट तो कांस्टेंट है ही, इनटू ई की पार माइनस के टी का डिफरेंशियल माइनस के ई की पार माइनस के टी. आ गई बात समझ में? तो ये डिफरेंशियल हुआ, हमें डिफरेंशिएट करना था तो ई की पार माइनस के टी में ये वैल्यू आ गई. तो ये डिफरेंशिएट हुआ और माइनस नहीं, माइनस तो हम ये है, माइनस हमने जब यहां लगा दिया तो ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस हो जाएगा. तो क्या आ गया? के ए नॉट e की मार माइनस के टी. अब के नॉट भी तो कांस्टेंट ही है तो ग्राफ वापस एक्सपोनेंशियल डिके ही है. तो रेट ऑल्सो डिकेज एक्सपोनेंशियली. और इस बार ये कांस्टेंट, इस बार ये वर्टिकल एक्सिस पर जो टी इज इक्वल टू जीरो पर जो इंटरसेप्ट आएगा, व्हाट इज दिस वैल्यू? के ए नॉट एंड अगेन एक्सपोनेंशियल डिके. सो रेट ऑल्सो डिक्रीजेज वेरी शार्पली इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑल्सो डिक्रीजेज वेरी शार्पली इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है. हाफ लाइफ विद ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड, इट इज कांस्टेंट. और कांस्टेंट किसके बराबर थी? दैट इज एल एन टू अपॉन के बराबर. अच्छा, खर्च हुई भी कंसेंट्रेशन कितनी है? दैट वी कैन फाइंड आउट.
एक्स, एक्स क्या था, ए नॉट माइनस ए टी, कितना था माइनस कितना है, डिफरेंस क्या हो गया, कितना खर्च हुआ, तो वो क्या होता है, तो एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, तो ये ए नॉट माइनस ए टी तो है। टाइम के साथ में अगर देखें तो ग्राफ कैसा आएगा, जरा वैल्यू रखना, तो ये हो गया ए नॉट, एक्सप्रेशन रखोगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, सो लाइक दैट ग्राफ वुड बी देयर। और ग्राफ मान लो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये ए नॉट के बराबर है, तो खर्च हुई भी कंसेंट्रेशन जो है वो पूरी खर्च हो जाएगी ऑलमोस्ट, एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। And become asymptotic like this. So like that, it will go on increasing. खर्च हुई भी concentration will increase not linearly. So it will increase like this. तो ये थे some of the graphs related to the first order. First order की characteristics हमने बात कर ली. Half life does not depend on concentration of the reactant, initial concentration of the reactant. तो ये सब कुछ points थे इसके. ये plus sign था. I think this is done. और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे, जनरल पॉइंट्स लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, एंड सम क्वेश्चंस आल्सो वी विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।